भात स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की कार्यकारिणी एवं जिला काउंसिल की बैठक एमपी इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान संबोधित करते हुए भारत और स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जिले के समस्त विद्यालयों में प्राइमरी और उच्च शिक्षण संस्थानों तक स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण आपको कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड की गतिविधियां सुचारू रूप से जनपद के अंदर संचालित करने के लिए समस्त प्रधानाचार्य शिक्षकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, अतः शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदारों को स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रति अपनी रुचि लेकर छात्र हित में स्काउट गाइड की गतिविधियां नियमित संचालित करने की आवश्यकता है। वहीं जिला स्काउट कमिश्नर डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग छात्र छात्राओं के विकास के साथ समाज सेवा के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कोविड महामारी के समय जहां हर स्वयंसेवी संस्थाएं अपना हाथ खड़ा कर रही थी, वहीं स्काउट गाइड संस्था के स्काउट और गाइड ने विभिन्न माध्यमों से चिकित्सा केंद्रों पर जाकर टीका लगवाने में सहयोग किया। इस अवसर पर भारत स्काउट और गाइड के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त नौशाद अली सिद्दीकी, जिला गाइड कमिश्नर विनीता सिंह, उप सचिव ज्ञानेन्द्र ओझा, एडवोकेट व प्रादेशिक स्काउटर प्रतिनिधि अजय गुप्ता बजरंगी, प्रादेशिक गाइडर प्रतिनिधि जयलक्ष्मी पांडे, डीओसी स्काउट सत्यानंद शर्मा, डीओसी गाइड इशरत सिद्दीकी, रामनाथ गुप्ता, किरण देवी, ओम प्रकाश उपाध्याय, प्रतिभा शुक्ला, राम आशीष विश्वकर्मा, आशुतोष दुबे, सूरज गौतम, श्यामा इस्लाम, रंजना राय, दुर्गावती जयप्रकाश, मध्येशिया, एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अली, राजेश चंद्र चौधरी, श्यामू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत और स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा, जिला मुख्य आयुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर। आज उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर की जो है जिला स्तरीय बैठक आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर सभागार में आयोजित है, जिसमें वर्ष भर की कार्य योजना, विगत वर्ष का आय व्यय, आगामी प्रस्तावित आय और व्यय, इन विभिन्न मुद्दों पर
चर्चा करना, स्काउट संस्था को और बुलंदियों पर कैसे ले जाया जाए, प्रशिक्षण को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर जो है प्रशिक्षण आयुक्त का अपना प्रतिवेदन, जिला सचिव का विगत वर्षों में क्या क्या कार्य हुए स्काउट संस्था द्वारा, उसका प्रतिवेदन, इस सब का प्रस्तुतिकरण आज इस बैठक में रखा जाएगा।